कोरबा जिले के दधवी थाना में शनिवार को कटघोरा एसडीएम और दधवी सीएसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इस बैठक में दधवी क्षेत्र के बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। वहीं कटघोरा एसडीएम ने बताया कि रामनवमी के उपलक्ष्य में बजरंग दल और सर्व समाज के द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसको लेकर बैठक आहूत की गई। इसी क्रम में सीएसपी दधवी रविंद्र कुमार मीणा ने कहा कि रामनवमी में शोभा यात्रा को लेकर समझाइश दी गई और रूट को लेकर दोनों दलों को बैठक बुलाकर शांति समिति की बैठक कर समझाइश दी गई। अभी आगामी रामनवमी के उपलक्ष्य में बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है, जो दधवी क्षेत्र में होना है, क्योंकि दोनों रैलियां दो ग्रुप के द्वारा की जा रही है, उस बीच में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और शांतिपूर्वक रैली को संपन्न करने के संबंध में दोनों पक्षों के साथ बैठकर बातचीत की गई है। इसमें सीएसपी दधवी सर, टीआई दधवी सभी की उपस्थिति में दोनों समाज प्रमुखों से और युवाओं से चर्चा करके इसको आसानी से सुलभ रूप से संपूर्ण कराने हेतु चर्चा की गई। जैसा कि आप सबको पता है कि 17 तारीख को अपने यहाँ रामनवमी का प्रोग्राम है, तो उसमें दधवी थाने में हमारे पास एक तो सर्व हिंदू समाज और बजरंग दल की तरफ से एक अनुमति के लिए आया था, जिसमें अनोखा शोभा यात्रा निकालने का था। उसी के चलते हुए दोनों पक्षों को बुला के शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें दोनों का अपना अपना रूप तय करके शांतिपूर्ण से शोभा यात्रा को पूरा करने के लिए उनको समझाइश दी गई थी। उसमें मेन तो यह है कि जलगाम से लेके और पूरा अपना जो हसदेव आरती का बीच का रूट था, तो दोनों दलों को ऐसे किया कि दोनों का रूट क्लैश ना हो और शोभा यात्रा में कोई भी ऐसा हथियारबाजी या कोई भी ऐसी चीज रखने ना रखे, उसके लिए उनको समझाइश दी गई थी। और मेनली जो आदर्श आचार संहिता जो अभी चल रही है उसका अनुपालन करते हुए शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से उनको कुछ समझाइश कुछ निर्देश दिए गए थे, जिनमें लगभग दोनों पक्ष पूरी तरह से राजी हो गए।